हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का हिंदी मीडियम का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव का आपने 3 पार्ट का वीडियो देखा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है और आज हम इसके 4th पार्ट की स्टडी करेंगे। तो 4th पार्ट एक नया स्टार्टिंग है यहाँ से, जहाँ से हम गैल्वेनोमीटर धारामापी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिक फंडामेंटल हम आपको पहले पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, पहले से निर्मित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर बल। देखिए, आज स्टार्टिंग में मैं आपको लोग को 2-3 टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो छोटे छोटे फार्मूला डेरिवेशन है, और ये फार्मूला अपने आप में खुद इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर एक सपोर्टिंग टॉपिक होगा। तो पहले मैं अपने टॉपिक के सेंस को आपको समझा दूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मतलब हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है पहले से, और उसमें कोई धारावाही चालक है। धारावाही चालक मतलब ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, और उस पर हमको कितना बल अप्लाई होता है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये सपोज एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लो B है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने क्या मान लिया, B मान लिया, और यहाँ पर एक धारावाही चालक है ये। यह रेडिंग से मैं जो लाइन खींचा ये एक चालक है, और इस चालक पर सपोज हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इस चालक पर प्रवाहित धारा I है। अब यहाँ पर देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अब अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करता है। तो नेचुरली यहाँ पर ये क्या करेगा, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ये जो मैं बनाया रेड इंक से, ये इस चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, और ब्लू इंक से जो आप देख रहे हो वो पहले से उपस्थित एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा क्या हो, समान हो। ऐसे क्षेत्र को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और उसको इस तरह से पैरेलल लाइन से समानांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर 2 चुंबकीय क्षेत्र हो गए, एक तो ये और ये, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला सपोज परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल ये एफ है। ठीक है, टॉपिक के सिचुएशन को आपको समझना जरूरी है, थोड़ा ध्यान समझिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले से निर्मित है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र निर्मित किया इस धारावाही चालक ने, तो कितने चुंबकीय क्षेत्र हो गए, 2। अब कहीं पर 2 चुंबकीय क्षेत्र एक साथ काम करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बल ही होता है, 2 बल एक साथ काम करेंगे तो उनका एक परिणामी बल निकलेगा, और यही क्या है, वो परिणामी बल है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि उस पर कितना बल लगेगा। और मान लो ये जो बल की दिशा है वह पहले के चुंबकीय क्षेत्र के साथ में मान लो थीटा कोण बनाता है। ये थीटा कोण है चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाया गया कोण। तो यहाँ पर प्रयोगों के द्वारा बताया गया, ऑब्जर्वेशन से बताया गया कि इस पर चार बल, ये बल 4 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, इस पर लगने वाला जो बल है F प्रोपोर्शनल टू I होता है, मतलब ये जो परिणामी बल है वह इस चालक पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब हम धारा की मान को जितना बढ़ाएंगे बल उतना ही बढ़ेगा। दूसरा, F प्रोपोर्शनल टू L, ये जो धारावाही चालक हमने यहाँ पर यूज़ किया है उसकी लंबाई, कितनी लंबाई, यह तो अनंत लंबाई का है, उतनी लंबाई जो चुंबकीय क्षेत्र के अप्रोच में है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है उसकी लंबाई के समानुपाती। और तीसरा निर्भर करता है वो F प्रोपोर्शनल टू B, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है जिस पर इस चालक को रखा गया है उसके समानुपाती होता है। और चौथा होता है F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब यहाँ पर जो मैंने आपको थीटा बताया है
बल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण के साइन मतलब ज्या के समानुपाती होता है। तो ये चार चीजों का समानुपाती होता है, इनको हम शब्दों में भी इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे मेरे नोट्स में सब अवेलेबल है, आप समझने के बाद हमारे नोट्स में पीडीएफ से देख सकते हैं। एंड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने आप लोग को नोट्स अब मिल रहा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स लोग का एक प्रॉब्लम है जो मुझे कमेंट्स करते हैं मुझे, तो वो मैं देखा कि आप लोग प्लेलिस्ट देखिए बराबर, कि प्लेलिस्ट में आप हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, मैथमेटिक्स का, जितने तरह का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो सब प्रॉपर प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो ज़रूर यदि आप कोई बीच के वीडियो में एंट्री करते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में बिल्कुल सिलेबस पर वन बाई वन हमने प्लेलिस्ट को सिस्टमेटिक अरेंज किया। आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, फिर न्यू चैप्टर, तो पार्ट वन ऐसा मिलेगा। और आपको नोट्स यदि सर्च करना है तो वीडियो के नीचे आपका है डिस्क्रिप्शन में जाके टच करिए, तो आपको पूरा नोट्स वहाँ पर आपको पीडीएफ उसका मिलेगा। वन बाई वन हम डाल रहे हैं और कुछ लेटेस्ट वीडियो जो होते हैं उसके एक आध दिन डिले हो जाता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दिया कि मेरे इंस्टीट्यूट में क्या है, इंग्लिश मीडियम का नोट्स मैंने बहुत दिनों से बना के रखा हुआ है जिसको मैंने पूरा अपलोड कर दिया इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हिंदी का मेरे पास नहीं था, लेकिन आप लोग के डिमांड पर, आप लोग के रिक्वेस्ट पर मैंने हिंदी का अभी आपके साथ में बना रहा हूँ और आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो थोड़ा उसको आप कोऑपरेट करिए मेरे साथ और मैं उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल के मेहनत करके उसको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको नोट्स के लिए। और नोट्स मेरा इतना सफिशियंट होगा कि बाय द वे कुछ स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर बुक नहीं है या कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नोट्स से आप बराबर पढ़ सकते हैं और वीडियो से भी आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ मिलेगा। अब देखिए तीनों को हम कंबाइन कर दें तो देयरफॉर ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। ये हमने चारों संबंधों को कंबाइन कर दिया तो लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा, दैट इंप्लाइज F। यहाँ पर यदि हम बल नियतांक को इकाई ले लें, न्यूटन ने जैसे बल नियतांक को इकाई लिया था तो बल नियतांक को इकाई ले लें तो समानुपात को बराबर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई एल बी इंटू साइन थीटा। ये होता है बल का फार्मूला। इस फार्मूला को आपको लर्न करना है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी काम आएगा। इसके बाद इससे कोरिलेटेड टॉपिक है, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो है लारेंज बल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लारेंज बल। लारेंज साइंटिस्ट का नाम है लारेंज फोर्स बोलते हैं और ये आपको आगे के टॉपिक में बहुत ज्यादा काम आने वाला है लारेंज फोर्स। तो लारेंज फोर्स क्या, देखिए लारेंज नामक साइंटिस्ट ने इसी सिचुएशन पर इसी बल को बताया, लेकिन आगे इसको उन्होंने एक्सटेंड किया। कैसे, क्योंकि हमको एक फार्मूला पहले से पता था कि एफ इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा, ये फार्मूला हमको पहले से पता था। लारेंज ने क्या किया, यहाँ के दो वेरिएबल को हटाया, आई और एल को, ये दो वेरिएबल को हटा के उसने नया वेरिएबल एंट्री कराया। किस तरह से एंट्री कराया देखिए, चूंकि हमको पता है कि धारा I इक्वल टू होता है आवेश बटे समय, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो यहाँ से I इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड तथा हमको पता है कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, वेग बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर हो जाता है वेग गुणित समय, और लंबाई क्या होता है, दूरी होता है, तो लंबाई को हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाइम के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की गति होती है, उसका वेग है। अब इन दोनों मानों को हम इस सूत्र में भर दें तो देयरफॉर अपने को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एफ इक्वल टू आई का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें क्यू अपॉन टी इंटू एल का वैल्यू यहाँ से पुट कर दें वी इंटू टी इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको सॉल्व करें तो आप देखिए यहाँ से ये दोनों टी कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन थीटा, ये लारेंज बल कहलाता है। तो दोनों सेम सिचुएशन में बल हैं, यह भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर बल है और यह भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यह धारा और तार की लंबाई के पदों में है, यह आवेश और इलेक्ट्रॉन के वेग के पदों में है। और चूंकि इस फार्मूला को
लारेंज नाम के साइंटिस्ट ने दिया। इसके लिए साइंटिस्ट का नाम डिक्लेयर नहीं है, बहुत से वैज्ञानिकों ने इसको प्रयोग करके बताया, और चूंकि इस बात को लारेंज ने बताया इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लारेंज फोर्स बोलते हैं। क्लियर, इसको लारेंज बल कहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे इस फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, आगे के टॉपिक में उसका यूज़ होगा, आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा स्टार्टिंग में मैं बता दिया था कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है ये। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं लूप, लूप पर बल आघूर्ण। लूप के बारे में पहले भी मैंने एक आध दो बार आपसे डिस्कस किया, आज पहले बोला था मैं आपको, आप मेरे किसी वीडियो में देखे होंगे, लूप मैं आप लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगा करके। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लूप पर बल आघूर्ण, लूप पर बल आघूर्ण, दैट मीन्स इंग्लिश में अपन इसको कहेंगे टॉर्क ऑन ए लूप। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि लूप क्या होता है। लूप हिंदी में भी लूप ही कहते हैं उसको, इंग्लिश में भी लूप, LOOP लूप कहा जाता है। लूप मतलब होता है कोई कुंडली, जैसे हम किसी कुंडली पर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को हम लूप कहते हैं। वो कई तरीके से हो सकता है, सपोज ये कोई गोलाकार कुंडली है और इसमें मैं एक धारा प्रवाहित कर दिया, ये लूप कहलाएगा। यदि कोई ये आयताकार कुंडली है इस तरह से, इसमें मैं धारा प्रवाहित कर दिया तो ये भी एक लूप कहलाएगा। तो लूप एक टेक्निकल वर्ड है, लूप का सीधा मतलब होता है ऐसी कोई कुंडली जिस पर धारा प्रवाहित हो रहा हो, एक बंद परिपथ हो, उसको हम क्या कहते हैं, लूप। तो जब भी आपको लूप वर्ड सुनने को मिले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस तरह का कोई होगा, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, ये एक लूप कहलाता है। क्लियर, अब यहाँ पर हमको पढ़ना है कि लूप पर बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता होगा, आपने 11th क्लास में बल आघूर्ण पढ़ा है, वो भी मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा दूं। बल आघूर्ण का मतलब होता है जैसे मान लो हमारे पास कोई एक लोहे का राड है और दोनों तरफ इसमें मैं बराबर एक बल यहाँ पर लगाऊं और दोनों के बीच की दूरी मान लो क्या है, डी है। तो जब किसी भी पिंड पर दो एक समान बल, जिसको हम बोलते हैं बल युग्म, तो ये दो बल युग्म जब एक साथ काम करते हैं तो वहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है और ये रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है, जिसको हम टास है या टाउ से प्रोनाउंस करते हैं, टा भी कहते हैं, टाउ भी कहते हैं, से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बराबर होता है एफ क्रॉस डी, मतलब बल गुणित दोनों के बीच की लंबवत दूरी। ये बल आघूर्ण निकालने का फार्मूला है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि किसी धारावाही कुंडली पर जिसको हम लूप कहते हैं बल आघूर्ण कितना होता है। तो देखो ये कैसा सिचुएशन है, इसी के कारण देखो अभी आपको जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो लगेगा कि बिल्कुल दो लाइन का फार्मूला है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना, आगे चल के जितने भी मोटर, डायनेमो या जितने भी डिवाइस डिज़ाइन किए गए वो सब के सब इसी कॉन्सेप्ट पर, कोई भी मोटर घूम रहा है, फैन घूम रहा है या कोई भी मोटर घूम रहा है तो उसके घूमने का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। क्योंकि मैं भी मैंने बताया कि बल आघूर्ण का काम है किसी पिंड को रोटेट कराना, घूर्णी गति प्रदान करना। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, देखिए फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है। फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इतनी छोटी सी चीज़ दी और आज उस बेस पर हम पावर प्लांट बनाते हैं। आज इतना बड़ा पावर प्लांट जो हम बनाते हैं टर्बाइन को घुमाने के जो सिस्टम, वो फैराडे का छोटे से दिए हुए नियम पर बेस्ड है। क्लियर, आगे मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो साइंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा होता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, न्यूटन ने एप्पल को नीचे गिरते हुए देख के बता दिया कि अर्थ में ग्रेविटेशन है, आज हम मून में जा रहे हैं, मार्स में जा रहे हैं या स्पेस में जा रहे हैं, वो उसी कॉन्सेप्ट का कोई बेस्ड बड़ा रिजल्ट है। तो उसी तरह से इस तरह का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया जाता है उसको कई बार स्टूडेंट बहुत लाइटली लेते हैं, बस छोटा सा स्टेप, ऐसा नहीं है, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम आगे कोई बड़ा काम करते हैं। इसलिए हमेशा मेरा सब्जेक्ट स्टार्टिंग से मैं बोलता हूँ कि वह पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट में डूब जाइए, फिजिक्स आपको इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, और कोई चीज़ यदि इंटरेस्टिंग लगने लगा उसके बाद तो सारा समस्या ऐसे ही ख़त्म हो जाता है।
तो देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी पर बाद में जब मैं आपको मोटर पढ़ाऊंगा तो आप इमीडिएट उस बात को समझ जाएंगे कि मोटर रोटेट क्यों हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हम एक डिज़ाइन बनाते हैं इसका कि किस तरह से लूप, ये एक मैग्नेट के पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम इस तरह से कॉनकेव कटिंग करते हैं, मतलब अवतल कटा होता है ये। कई बार एग्जाम में आता है कि इसको अवतल क्यों काटा जाता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये मैग्नेट का पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से। अब कई बार स्टूडेंट के दिमाग में इस फिगर को देख के क्या मिसकॉन्सेप्शन आता है, गलत अवधारणा क्या आता है, जो मुझे इतने सालों से पढ़ाते तक बच्चों से सुनने को मिला कि जैसे ही इस फिगर को देखेंगे, या इवन मज़े की बात यह है कि कई बार टीचर्स भी पढ़ा देते हैं तब तो फिर पूछने क्या है, इसको मैग्नेट के दो पोल बता देते हैं, एक मैग्नेट का पोल यह है, एक मैग्नेट का पोल ए है। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैग्नेट के सेपरेट पोल हम फाइंड नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा ये वाला मार्कर नॉर्थ पोल है, ये वाला मार्कर साउथ पोल है। पोल रहेंगे तो किसी मैग्नेट में एक साथ रहेंगे। वी कांट इमेजिन सेपरेट पोल, हम सेपरेट पोल इमेजिन नहीं कर सकते। ये बात आपको पता होगा पहले से, और मैग्नेट के और आगे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ फिगर को देखने के बाद हमारे दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट आता है कि एक मैग्नेट का पोल, ये दो मैग्नेट नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि सर ये फिर एक मैग्नेट के पोल कैसे होंगे, तो अलग अलग दिख रहे हैं। एक्चुअल में ये जो मैं कटिंग का डिजाइन बनाया, ये क्या है, पीछे से जुड़ा हुआ है। वास्तव में ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये नाल चुंबक है ऐसा। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और अभी आपको सिर्फ ये दोनों सिरे को दिखाया गया है, इसलिए आप ये पीछे के सिरे को नहीं देख पा रहे हैं। समझ लीजिए बोर्ड के अंदर है, या मैं अपनी उंगली को बना दूं ऐसा, ये, या ये तीनों पेन को मैं ऐसा सिचुएशन में बना देता हूँ इस तरह से, ये है वो ऐसा, और आप ये दोनों इंड को देख रहे हैं और ये अंदर से है। तो यहाँ पर आपके दिमाग में, मुझे हमेशा फिजिक्स पढ़ाते समय एक बात का डर जरूर रहता है कि कहीं स्टूडेंट हम जैसा इमेजिन करने बोल रहे हैं, जैसी कल्पना करने बोल रहे हैं, कहीं वो उसके अगेंस्ट उल्टा तो नहीं सोच रहा है। तो ये डर हमेशा रहता है फिजिक्स के क्लास में। तो आप प्रॉपर इमेजिन करिए। आप समझ गए होंगे अब कि ये दोनों पोल अंदर से जुड़े हुए हैं। तो कभी भी आप ऐसा मत समझना कि मैग्नेट के दो पोल हैं, ये एक ही मैग्नेट के दो पोल हैं, दो अलग अलग मैग्नेट के पोल नहीं हैं, जैसा मैं यहाँ पर आपको नाल चुंबक में बताया। अब आप समझ गए होंगे, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो और बाकी पोर्शन थ्री डायमेंशन है, अंदर समझ लो। इसके बाद यहाँ पर एक आयताकार कुंडली है ये, और यही क्या है, यहाँ पर लूप है। इसी को मैंने आपको पहले समझाया कि यह लूप है और ये यहाँ पर रखा हुआ है, और इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। सपोज हम इसमें आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जैसे हम इसमें आई धारा प्रवाहित करें, मान लो इसकी लंबाई L है और चौड़ाई इसकी B है, जैसे इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके इस कॉर्नर पर बल F उत्पन्न होगा और इस कॉर्नर पर बल F उत्पन्न होगा। क्योंकि जैसे हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करेंगे, तो अभी हमने पढ़ा है ये दो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, और ये कुंडली अपना चुंबकीय क्षेत्र, लूप अपना कुंडली चुंबकीय क्षेत्र और निर्मित करेगा। दोनों करेंगे तो दो बल उत्पन्न होंगे, ये बल युग्म होगा, और ये दोनों बल युग्म फिर क्या करेंगे, इस कुंडली को इसके चारों ओर घुमाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो होगा, ये इसकी दूरी, इस बल से इस बल के बीच की जो लंबवत दूरी होगी उसके गुणनफल के बराबर होगा। और मान लो ये कोण क्या है, थीटा है, ये कोण मान लो थीटा है। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा है कि बल युग्म का आघूर्ण टा बराबर होता है एक बल गुणित दोनों के बीच की लंबवत दूरी, तो बल हो गया एफ और इनटू दोनों के बीच की लंबवत दूरी। क्लियर? तो ये क्या है, बी है, ये चौड़ाई इसका बी है, लेकिन हमको केवल इतनी दूरी चाहिए जो कि बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा घटक के बराबर होगा लंबवत दूरी, तो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो टाई इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। ऐसे भी आपको अभी मैंने फार्मूला बताया, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। तो ये जो लंबवत दूरी है वो क्या है, इस दूरी के बराबर हो गया, इस दूरी के बराबर होगा जो कि लंबवत दूरी होगा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। क्लियर? तो ये हो जाएगा एफ इंटू बी साइन थीटा। दैट इंप्लाइज टाई इक्वल टू, अभी हमने एफ का फार्मूला डिराइव किया है, क्या किया है, आई एल बी, और यहाँ पर जो थीटा आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो मैं पहले बताया कि चुंबक का जो पोल है उसको अवतल काटा गया है,
और जब चुंबक के पोल को अवतल काटते हैं तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इस तरह से उत्पन्न होता है, इस तरह से, जो कि क्या होता है, त्रिज्यीय होता है। त्रिज्या मतलब त्रिज्या के डायरेक्शन में होता है और त्रिज्या हमेशा अपने परिधि पर लंब होता है। तो यहाँ पर आई एल बी साइन थीटा में जो थीटा आता है वो थीटा 90 डिग्री हो जाता है, और थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1, इसलिए उस थीटा को नहीं लिखा गया है। तो आई एल बी ये एफ का मान हो गया और इंटू बी साइन थीटा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है आपको कि ये केवल एक तार के लिए है, लेकिन जब हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली बनाते हैं तो उसमें बहुत से तार लपेटे जाते हैं। तो मान लो यहाँ पर n तार लपेटा गया है, n बार, तो n के सामने क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो बल आघूर्णन का मान ये हो जाएगा, आगे इसको हम सरल कर दें तो दैट इम्प्लाइज टाई इक्वल टू n। अब यहाँ पर देखिए ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। यहाँ पर हमने माना है इसको लंबाई और इसको चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या हो जाएगा, उस लूप का क्षेत्रफल, क्योंकि आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल को मैं यहाँ पर लिख दिया पहले I को, और लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल A हो गया n I A, और यहाँ से बच गया कैपिटल B और इंटू साइन थीटा। तो n I A B साइन थीटा ये क्या होता है, लूप पर बल आघूर्ण होता है। इस फार्मूला को भी आप, मैं पहले ही बता दिया कि दो दो लाइन के फार्मूले आ रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे उसको आपको पढ़ने में काम आएगा। तो टाई इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, जहाँ पर एन कुंडली में फेरों की संख्या है, आई कुंडली में प्रवाहित धारा है, ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल है, आयताकार कुंडली रहेगा तो लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, वृत्ताकार कुंडली रहेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, जैसा सिचुएशन होगा लूप का वैसा क्षेत्रफल रखेंगे अपन। और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो मैग्नेट के दोनों पोल वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और साइन थीटा आपको पता है यहाँ का थीटा है, तो ये बल आघूर्ण का मान होता है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मैं एक छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ लेकिन आगे बहुत काम करना है, आप इसको अच्छे से तैयार करिए। नेक्स्ट टॉपिक इज दो समांतर धारावाही चालक पर बल। दो समांतर धारावाही चालक, बस ये एक टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये टॉपिक बहुत बार बहुत से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, दो समांतर धारावाही चालक पर बल, इसका मतलब कैसा है। ये मेरे पास दो मार्कर है, इसको आप धारावाही चालक मान लीजिए। अब इस पर भी मैं धारा प्रवाहित किया और इस पर भी धारा प्रवाहित किया, तो दोनों चालक अपने अपने चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में इस चैप्टर को पढ़ते समय 24 घंटा ये बात होना चाहिए कि जैसे ही किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करेंगे वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा। यही बात तो ऑस्टेड ने बताया था, जो आपने मेरे फर्स्ट वीडियो में देखा। तो यहाँ पर हमारे पास धारावाही चालक है, मान लो एक धारावाही चालक मैंने लिया ये, और दूसरा धारावाही चालक लिया ये दो धारावाही चालक हैं, और इस धारावाही चालक में मान लो मैं धारा प्रवाहित किया आई वन। जैसे ही इस पर धारा आई वन हम प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने चारों ओर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा। ये धारावाही चालक नंबर फर्स्ट है, पहला धारावाही चालक है ये, क्लियर। और इसमें मैंने धारा प्रवाहित किया, यहाँ पर क्लियर लिख दूँ थोड़ा, इस पर मैंने धारा प्रवाहित किया है सपोज आई वन ये। अब इससे इस चालक से डी दूरी पर, इस चालक से डी दूरी पर एक दूसरा चालक है, ये एक दूसरा चालक है। इस चालक में हमने धारा प्रवाहित किया मान लो अब आई टू, क्या क्या हुआ पहले आप समझिए। पहले चालक में आई वन धारा प्रवाहित किया तो इसने एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित कर दिया, माने चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निर्मित हो गया। इस चुंबकीय क्षेत्र में हम दूसरे चालक को इसे डी दूरी पर उसको एंट्री करा दिया, तो ये धारा प्रवाहित करने पर यह भी चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा। अब दोनों चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेंगे तो दोनों के चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करने पर दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, ये हमको क्या करना है, गणना करना है। सिचुएशन आगे समझ में आपको, क्योंकि फिजिक्स में सबसे पहले आपको सिचुएशन ही समझना है। यदि ये सिचुएशन यदि आपको समझ में नहीं आया
तो डेरिवेशन समझ में नहीं आता। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, डेरिवेशन तैयार करने में ज़्यादा एनर्जी लगाते हैं लेकिन वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो वो भूलने का सबसे कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने उस सिचुएशन को ही नहीं समझा जिसके कारण वो फार्मूला डिराइव किया गया था। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो फार्मूला डिराइव करना है उसके बेसिक सिचुएशन को आप पहले समझिए कि भाई किन किन परिस्थितियों में फार्मूला को डिराइव किया गया। कहीं आप बहुत मेहनत करके रट्टा मार के बार बार करके डेरिवेशन आपने तैयार कर लिया तो उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आप भूल सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि उससे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपको कभी बनाना हुआ, न्यूमेरिकल्स बनाना हुआ या IIT JEE नीट में कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया, आप कभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप रट्टा मारे थे उसको। इसलिए इन चीज़ों को समझना जरूरी है कि जो फार्मूला आ रहा है एक्चुअल में वो कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि फर्स्ट चालक, पहला चालक के कारण, पहला चालक के कारण डी दूरी पर, ये पहले चालक के कारण इससे डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हम निकालते हैं कि कितना चुंबकीय क्षेत्र है। तो बी इक्वल टू, अपने मालूम है कि किसी रेखी चालक के कारण डी दूरी पर इसी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, बायो सेवर्ट नियम का पहला एप्लीकेशन क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2 प्रवाहित धारा है I1/D। ये सब सूत्र आप लर्न करते हुए चलिए तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। ये है प्रथम चालक के कारण डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए द्वितीय चालक पर फर्स्ट के कारण बल, अब उस पर कितना बल लगेगा ये हमको देखना है। तो अभी हम बल का फार्मूला पढ़े हैं, बल इक्वल टू ILB sin θ। तो I और यहाँ पर L चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, B और यहाँ पर देखिए sin θ। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है। थीटा क्यों 90 डिग्री है देखिए, क्योंकि दोनों चालक क्या है, समांतर हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखना, यदि दो चालक समांतर हैं तो उनके बीच जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो परस्पर लंबवत होते हैं। तो लंबवत होने से थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 90 डिग्री से होने से यहाँ पर जो साइन थीटा का मान होगा वो 1 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज, आगे इसको हम सॉल्व करें, एफ इक्वल टू ये हो गया IL, और बी का मान जो यहाँ से हमने निकाल के रखा है उसको पुट, अच्छा यहाँ पर I2 होगा ना क्योंकि द्वितीय चालक है, I2 इस मान को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4π2 I1/D, ये हो जाएगा। आगे इसको हम और सिंप्लीफाई कर लें, सरल कर लें थोड़ा, तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, दैट इम्प्लाइज एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π को पहले लिख लो, म्यू नॉट अपॉन 4π और 2L I1 into I2 upon D। ये म्यू नॉट अपॉन 4π पहले लिख लिया, 2L I1 I2 upon D। अब यदि हम ये मान लें कि धारावाही चालक, यदि मान लें कि L क्या हो, इकाई हो, मतलब चालक की लंबाई क्या हो, इकाई हो, ये जो चालक हम ले रहे हैं वो इकाई लंबाई का हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, L को 1 ले लेंगे, तो हो जाएगा F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2 I1 into I2 upon D। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन के लिए, CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और स्टेट बोर्ड में भी ये सिलेबस में होता है तो वो क्वेश्चन प्रायः आते रहता है। सीधा सीधा क्वेश्चन होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि दो समांतर धारावाही चालक के कारण बल की गणना कीजिए, दो समांतर धारावाही चालक पर बल की गणना कीजिए। तो F बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π2 I1 into I2 upon D, ये इसका फार्मूला होगा। तो ये जो मैंने छोटे छोटे फार्मूला आपको बताए वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आज के मेरे लेक्चर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है धारामापी, और धारामापी में ये सब कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्लियर, देखिए बड़ा यूनिट है और ये नियर अबाउट 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा। ये मेरा 4th नंबर का वीडियो है इस चैप्टर पर, और जितने स्टूडेंट इसके शुरू के वीडियो नहीं देखे हैं उनको मेरा सजेशन है कि सीधा इस वीडियो को आप कंसल्ट मत करिए,
आप इमीडिएट ये वीडियो क्लोज करिए, इसको आप बाद में देखना, इसके फर्स्ट पार्ट को आप देखिए। वैसे आप प्रॉपर ऑर्डर से पढ़ रहे होंगे सिलेबस के हिसाब से, तो आपको ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि ट्वेल्थ का फिजिक्स का सिलेबस का नेचर है कि फर्स्ट चैप्टर के बाद ही सेकंड चैप्टर समझ में आएगा, सेकंड के बाद ही थर्ड में आएगा, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर कोरिलेटेड हैं। ट्वेल्थ का फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको पढ़ना स्टार्ट करना है फर्स्ट चैप्टर से, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के फर्स्ट पार्ट से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर धारा विद्युत के बाद फिर ये, इसके बाद फिर मैं विद्युत चुंबक की प्रेरण, उसके बाद फिर प्रत्यावर्ती धारा। हर चैप्टर, एक चैप्टर का आप नाम बता देना जिसमें विद्युत धारा ना लिखा हो, इतना अच्छा सिलेबस है ट्वेल्थ का फिजिक्स। इलेवंथ में आपने देखा होगा कि दो दो तीन तीन टॉपिक पढ़ने के बाद एकदम से चैप्टर चेंज हो जाता है। अभी हम बल विस्थापन नहीं पढ़ पाए रहते हैं, तो फिर दूसरा आ जाता है, फिर प्रत्यास्थता आ जाता है, फिर द्रव आ जाता है, फिर कुछ भी गैस आ जाता है, इस तरह से उसमें वेरायटी बहुत है, इसमें एक फ्लो है। तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो उसका एग्जाम में आने का 100% चांस रहता है, वो है धारामापी। धारामापी इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर धारामापी, तो पहले हमारे सिलेबस में तो धारामापी केवल क्या है, एक ही टाइप का है, लेकिन मैं एक बार एक ब्रीफ इसका एक पूरा जानकारी आपको दे दूं, कम से कम आपके नॉलेज में रहे। तो धारामापी का काम क्या है, नाम से स्पष्ट है, धारा मापना। इसकी सहायता से एक्चुअल में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है कि धारा किसी चालक से प्रवाहित हो रही है कि नहीं। जैसे आप अल्टरनेटिंग करंट को आप चेक करना चाहते हो, टेस्टर यूज़ करते हो, टेस्टर लगा देते हो, जल्द जल्द धारा प्रवाहित हो रही है। ये डीसी करंट फ्लो है, उसको आप टेस्टर से चेक नहीं कर सकते। कहीं पर डीसी करंट फ्लो रहा है तो वहाँ पर फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसके लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ता है, वो धारा मापी है। टेस्टर लगाओगे डीसी करंट में, बैटरी में टेस्टर लगाओगे, टेस्टर जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो यहाँ पर हम धारा मापी यूज़ करते हैं, और ये दो तरह का होता है, बड़ा बड़ा डिवाइस होता है। एक धारा मापी होता है चल चुंबक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मूविंग मैग्नेट, ये धारा मापी होता है। और दूसरा होता है चल कुंडल या चल कुंडली, मूविंग क्वाइल। ये दो तरह के, बेसिकली दो तरह के धारा मापी हमारे पास होता है। नाम से स्पष्ट है, चल चुंबक मतलब चुंबक चलता होगा, मतलब वहाँ कहीं घूमने फिरने नहीं चला जाता, चलता है मतलब वो मूव होता है, ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है। हिंदी में पढ़ने से मतलब चल, मतलब ऐसा लगता है कि चल रहा होगा, चुंबक दौड़ रहा होगा। यहाँ पर इंग्लिश में प्रॉपर मूविंग मतलब ओनली मूव करता है। यहाँ पर देखिए चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली मतलब यहाँ पर भी कुंडली चलता है, मूव होता है, कुंडली वो कॉयल मूव होता है। तो इस बेस पर दो तरह का धारामापी बनाया गया। इसका टाइप है हमारे पास टेंजेंट गैल्वानोमीटर, टेंजेंट जिसको हम क्या है स्पर्श धारामापी बोलते हैं हिंदी में। और चल कुंडली के दो प्रकार हैं, चल कुंडली के दो प्रकार होते हैं, एक कहलाता है निलंबित कुंडली, निलंबित इंग्लिश बोलते हैं सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वानोमीटर, और दूसरा होता है किलकित कुंडली। ये मैं एक बार इंट्रोडक्शन आपको बता दूं, फिर किलकित कुंडली इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिवोटेड क्वाइल, या वेस्टर्न भी कहा जाता है, वेस्टर्न गैल्वानोमीटर। तो ये दोनों इसके प्रकार हैं, इसके कोई प्रकार नहीं होते, ये केवल टेंजेंट गैल्वानोमीटर होता है, निलंबित कुंडली और किलकित कुंडली। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आज के डेट में किसी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, और ऐसे भी ये डिवाइस आउटडेटेड हो गया, इसमें बहुत फॉल्ट है, ये प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं रहा, नाम बस बता दिया आप जानकारी में रखो करके। बहुत पहले सिलेबस में होता था, बहुत पहले। अब हमारे सिलेबस में चल कुंडली धारामापी है जिसमें क्वाइल मूव होता है, और ये सक्सेसफुल है, इसमें भी ये फेलियर है वो सक्सेसफुल है, लेकिन दोनों को कंपेरेटिवली अपने को पढ़ना पड़ता है। तो हम दोनों को, क्योंकि दोनों का जो वर्किंग सिस्टम है 95% सेम है, बहुत नॉमिनल चेंज है। एक्चुअल में निलंबित कुंडली धारामापी में जो प्रॉब्लम था, जो फॉल्ट था, उसको रिमूव करके, उसको मॉडिफाई करके किलकित कुंडली बनाया गया, तो दोनों एक जैसा हम मान सकते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। तो ये हम पढ़ेंगे चल कुंडली धारामापी, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया धारामापी का। अब हम अपने सिलेबस पर आते हैं चल कुंडली धारामापी पर, क्लियर।
तो देखिए जल कुंडली धारा माप किस प्रकार का होता है, जल कुंडली में हम पहला पढ़ रहे हैं निलंबित, निलंबित ना, निलंबित कुंडली पूरा लिख दूं, तो सबसे पहले हम पढ़ना है इसका सिद्धांत। ये जो मैं सिद्धांत आपको पढ़ा रहा हूं प्रिंसिपल, ये सिद्धांत एक्चुअल में किसका है, जल कुंडली का, जो निलंबित के लिए भी लागू होगा और किलकित के लिए। इस सिद्धांत को आप इसका नहीं समझ लेना, दोनों का है वो। एक्चुअल में जो सिद्धांत है वो चल कुंडली धारा मापी का है, तो उसको समझने के लिए हम निलंबित कुंडली धारा मापी का हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, इस तरह से अभी जो मैं आपको बताया, ये मैग्नेट के टू कॉनकेव कटिंग पोल होते हैं, वही नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके बाद यहाँ पर एक आर्मेचर होता है जिसमें हम इस तरह से कुंडली को लटका के रखते हैं। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कुंडली होता है उसको हम एक धातु के, मिश्र धातु के तार से लटका के रखते हैं। ये जो मैं रेडिंग से बनाया, ये परमानेंट इस पर लटका होता है, और ये एक विशेष धातु का होता है जिसको फास्फर ब्रांज बोला जाता है। इसको मैं इसलिए आपको स्पेशली हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कई बार दो नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि निलंबित कुंडली धारा मापी बनाने के लिए हम फास्फर ब्रांच के तार का ही उपयोग करते हैं, क्यों ये मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इससे हम इसको लटका देते हैं और ये लटका रहता है, इसीलिए बोलते हैं निलंबित। निलंबित मतलब होता है लटका के रखना, इंग्लिश बोलते हैं सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब लटका के रखा गया है। तो ये लटका होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निलंबित कुंडली धारा मापी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हम यहाँ पर दो पॉइंट होता है, इसमें से हम धारा इसमें से प्रवाहित कर देते हैं, आपको समझा देता हूँ बस वर्किंग साइड में मैं इसको, बल्कि वर्किंग आपको लिखना नहीं है। जैसे इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, ये कुंडली घूमने लगती है, किसके कारण, बल आघूर्ण के कारण। अभी आपने पढ़ा इसका ठीक पहले, इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि जब भी हम किसी कुंडली में लूप में धारा प्रवाहित करेंगे तो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, तो बल आघूर्ण इसको घुमाता है, जिसके कारण ये जो नीडिल लगा रहता है, यहाँ पर ऐसा स्केल, मीटर स्केल लगा होता है, यहाँ पर नीडिल घूमने लगता है और यहाँ से हम पता कर लेते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ सेंटर में एक मिरर लगा रहता है, ये जो मिरर है वो उसका विस्थापना भास दूर करने का काम आता है कि नीडिल प्रॉपर रीडिंग हो रहा है कि नहीं, इसके काम आता है, ठीक है। अब ये इसका वर्किंग मैंने बताया निलंबित कुंडली धारा मापी का, लेकिन इसका सिद्धांत क्या होता है, इसका सिद्धांत होता है आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये आई प्रोपोर्शनल टू सीधा थीटा इसका सिद्धांत है, जहाँ पर आई क्या है, इस कुंडली में प्रवाहित धारा है, और थीटा क्या है, इस तार में जो विक्षेप उत्पन्न होता है। मतलब ये तार यहाँ पर ऐसा चित्र में नहीं बता सकते, एक्चुअल में इस तार में क्या होता है, ऐंठन होता है, ऐंठता है, वो ट्विस्ट होता है। जैसे हम किसी तार को पकड़ते हैं और घुमाते हैं तो ट्विस्ट आप समझ रहे हैं, ऐंठना किसी चीज़ को, जैसे इसको पकड़ के मैं ऐसा ऐंठूँ तो घूम जाएगा वो, इस प्रकार से वो उसका कोण है, ठीक है, घूर्णन कोण है, जितने कोण से उसको घुमाया गया। तो ये इसका सिद्धांत है, क्या कहेंगे शब्दों में, हम चल कुंडली धारा मापी में प्रवाहित धारा उसके तार में उत्पन्न ऐंठन के समानुपाती होता है, क्लियर। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, ये तो उसका कथन हो गया शब्दों में, अब इसको प्रूफ करेंगे। तो हमको मालूम है कि चूंकि हमने अभी पढ़ा है टाई इक्वल टू होता है एन आई ए बी साइन थीटा, अभी पढ़ा है टाई इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या है, थीटा 90 डिग्री है, इसलिए हम उसको इकाई ले लिए। देखिए थीटा को हर जगह 90 लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर चुंबक के पोल को क्या है, अवतल काटा गया है। जैसे आपको एग्जाम में कभी दो नंबर का क्वेश्चन पूछ दे कि चल कुंडली धारा मापी बनाने के लिए चुंबक के ध्रुवों को अवतल काटा जाता है, क्यों, तो आप एक लाइन में आंसर लिखोगे, चूंकि चुंबक के ध्रुवों को अवतल काटने से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, त्रिज्यीय हो जाता है, रेडियल हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, लंबवत होता है, और इसके कारण हम थीटा को 90 ले लेते हैं। यदि ऐसा ना बनाए तो फिर थीटा का कोण निकालना पड़ेगा, थीटा का मान निकालना पड़ेगा कि 30 अंश है, 42 अंश है, 44 अंश है, फिर उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए चुंबक को क्या है, कॉनकेव कटिंग किया कर दिया जाता है,
ताकि थीटा परमानेंट 90 डिग्री हो जाए। तो टाई इक्वल टू होता है एन आई ए बी, और तथा एक और टा होता है जो उसको संतुलन में लाता है, वो होता है सी इंटू थीटा। ये सी इंटू थीटा क्या है, आप 11th क्लास में पढ़े हैं कि जब किसी तार पर ट्विस्ट किया जाता है, ऐठा जाता है, तो उस पर जो बल आघूर्ण होता है वो थीटा के समानुपाती होता है, और यदि हम समानुपात के चिन्ह को बराबर में बदलें तो एक नियतांक का गुणा करना पड़ता है, और इस नियतांक सी को बोलते हैं ऐठन बल युग्म का आघूर्ण, जो कि एक कांस्टेंट है। क्लियर। अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो देयरफॉर दोनों बराबर हैं, तो एन आई ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू थीटा। दैट इम्प्लाइज आई को बाएं तरफ रख के बाकी को दाएं तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू थीटा अपॉन एन इंटू ए इंटू बी, ये हो जाएगा। अब इस फार्मूला को आप गौर से देखिए, यहाँ पर थीटा को छोड़ के ये सब नियतांक है। थीटा नियतांक क्यों है, नहीं है क्योंकि थीटा तो घूम रहा है, अब क्या पता कितना घूमेगा, तो उसको छोड़ के सब क्या है, कांस्टेंट है। तो दैट इम्प्लाइज अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्योंकि समानुपात के साथ ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मर्ज हो जाएगा। आई प्रोपोर्शनल टू थीटा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर। तो ये कहलाता है इसका सिद्धांत। अब इसमें एक पॉइंट हमको पढ़ना पड़ता है, वो है इसकी सुग्राहिता, धारा मापी की सुग्राहिता सेंसिटिविटी, और एस इक्वल टू होता है थीटा अपान आई। एस इक्वल टू थीटा अपान आई, इसका मतलब क्या हुआ कि चल कुंडली धारा मापी पर जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, उसकी सुग्राहिता कहलाता है। अब हम देखते हैं दूसरा इसका टाइप जो मैंने आपको बताया, क्या किलकित कुंडली। तो पहले किलकित पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस धारा मापी में समस्या क्या था। कई बार दोनों का कंपैरिजन पूछता है तो पूछता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम था और उसमें उसको कैसे दूर किया गया। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि ये जो फास्फर ब्रांच के तार से इसको लटकाया गया। अब मैं आपको यहाँ पर यह बता दूँ कि फास्फर ब्रांच का ही मिश्र, एक मिश्र धातु है ना, एलॉय है, फास्फर ब्रांच का ही क्यों लगाया गया। तो जो फास्फर ब्रांच होता है उसका ऐठन बल युग्मक आघूर्ण क्या होता है, वो बहुत कम होता है, जिसके कारण इसको जब हम ऐठते हैं और जब धारा प्रवाहित करना बंद करते हैं तो तुरंत वो अपने वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। जैसे कुछ धातु आपने देखा होगा उसको आप क्या खींच के छोड़ दो तो तुरंत सीधा हो जाता है। जैसे सेविंग करने वाला ब्लेड है, ब्लेड को आप पकड़ के ऐसा खींचोगे तो मुड़ जाता है और छोड़ोगे तो सीधा हो जाता है। मान लो उसी की जगह आपके पास कॉपर का प्लेट है या एल्यूमिनियम का प्लेट है तो उसको आप खींच दोगे तो मुड़ जाएगा और परमानेंट मुड़ जाएगा। आप ये डिफरेंस समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो फास्फर ब्रांच होता है इसका खासियत क्या है कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये मैं जो रेड इंक से बनाया हूँ वो ऐंठ गया, तार क्या है, घूम गया, लेकिन जैसे ही हम धारा प्रवाहित करना बंद करते हैं तो अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है, इसलिए हम इसको फास्फर ब्रांच का यूज करते हैं। ये सब एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन है जो आपको ग्रीव रीजन वाले क्वेश्चन में, कारण बताओ वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखो इसमें दोष क्या था, दोष ये था इसका कि मान लो हम इसमें कम धारा प्रवाहित करें तो कम धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, ये ऐठेगा ही नहीं क्योंकि उतना बल उसको नहीं मिलेगा, और ज़्यादा धारा प्रवाहित कर दिए तो इतना ऐठेगा कि टूट जाएगा। सेफ्टी ब्लेड को आप थोड़ा सा खींच के छोड़ोगे सीधा हो जाएगा, और ज़्यादा घुमा दोगे तो दो टुकड़े में बढ़ जाता है, वैसे ही टूट जाएगा। ये इसमें प्रॉब्लम था, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें थोड़ा सुधार किया और निलंबित कुंडली के जगह में बनाया किलकित कुंडली। तो दूसरा मैं यहीं पर करेक्शन करके आपको पढ़ा देता हूं, किलकित कुंडली। किलकित किल मतलब क्या होता है, पियोट, किल, किल आप समझते हैं दीवार में जो कीड़ किल अपन लगाते हैं, तो किल का आपने देखा होगा कि उसका क्या होता है, सामने ऐसा नुकीला होता है और ऊपर ऐसा हेड होता है, ये किल होता है। तो किल नुमा इसमें क्या है, डिजाइन बना गया, इसलिए हम इसको किलकित कहते हैं। कैसे किया गया, देखो ये तार को इसमें से हटा दिए, मैं जानबूझ के यहाँ पर सुधार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कंपेयर को समझ सकें, नहीं तो अभी मैं दूसरा नया फिगर बना देता, लेकिन मैं उसको चाह रहा हूँ कि आप वहाँ समझो। तो यहाँ पर ये फास्फर ब्रांच के तार को हटा दिए और वहाँ पर लगा दिए ये कील, ये नुकीला चीज ऐसा, और यहाँ भी लगा दिए ये नुकीला चीज दोनों साइड में। अब ये नुकीला को किए क्या, यहाँ पर एक छोटा सा केविटी बना के, केविटी मतलब गैप, ऐसा गड्ढा जैसा बना के इसमें हम इसको ऐसा अटैच कर दिए, मतलब यहाँ पर घूमने के लिए फ्री है,
यहाँ पर भी ऐसे अटैच कर दिए। जैसे मान लो ये मेरा पेन का मार्कर, आप समझ रहे हैं इसका पॉइंट को देखिए, ये कील है, अब मैं उंगली को ऐसे बनाया और आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर इसको घुसा दिया ऐसा मैं, ऐसा अब उंगली से अटैच नहीं है, अब इसको ऐसा मैं यहाँ पर बढ़िया से घुमा सकता हूँ क्योंकि उसके साथ वो अटैच नहीं है पूरा, केवल उसको फंसा के रखा है। वो सिचुएशन को समझना जरूरी है, नहीं तो उल्टा सीधा समझ लिया तो दिक्कत है। तो यहाँ पर ये लटका हुआ है, यहाँ पर ये, इसीलिए इसको बोलते हैं किलकित, क्योंकि किल में फंसा हुआ है। अब इसे फ़ायदा क्या हुआ, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया गया, यहाँ पर एक हेयर स्प्रिंग, ये स्प्रिंग यूज़ किया गया, हेयर मतलब बाल, बाल के जैसा पतला स्प्रिंग S1, और यहाँ पर भी स्प्रिंग लगाया गया S2। अब इसमें क्या हुआ, हम इसमें धारा प्रवाहित किए, अब इसके वर्किंग को समझिए, सिद्धांत वही रहेगा, सिद्धांत में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे ही इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या हो गया, ये तो थोड़ा सा भी धारा में आराम से घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो केवल अटैच है वो, उसके साथ परमानेंट ज्वाइंट तो है नहीं, ये घूम जाएगा। और जैसे धारा प्रवाहित करना बंद करेंगे हम, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, उसको अपने प्रारंभिक स्थिति में वापस ला देगा। तो ये बहुत आसानी से काम करने लगा, कम धारा को भी मापने लगा और ज़्यादा धारा को भी मापने लगा, इस तरह से ये कहलाता है दूसरा किलकित कुंडली। ये एग्जाम में प्रायः आता है, तो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिद्धांत लिखना है, फिगर बनाना है, और फिगर बनाने के थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है। वैसे मेरे PDF में आपका इसको बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से 5 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के लायक नोट्स आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ गैल्वेनोमीटर, और अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले से ही आपको बता दूं, वो है संट का प्रिंसिपल और साइक्लोट्रॉन। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका हमारा 4th वॉल्यूम यहाँ पर इसका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।